नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। प्रशासन की ढुलमुल नीति के चलते हुए कांवड़िया धूल और कंकड़ में चलने को हो रहे हैं मजबूर। नगीने नजीवाद उनकी मार्ग लगभग 150 मीटर प्रशासन ने सड़क बनाते बनाते छोड़ दिया। डीएम एसडीएम सबसे सिफारिश कर और कहकर आमजन परेशान हो गया, थक गया, मगर प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था वो दिन शुरू हो गया। भोले बाबा के कांवड़िया नंगे पैर इस कंकड़ भले रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। प्रशासन आंख मूंद कर बैठ गया, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। भोले हैं बेचारे, जा रहे हैं इस धूल भरी सड़क पर और कंकड़ पत्थरों में। भोले बाबा अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। कई से हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि पैरों में बहुत लग रहा है, धूल उड़ रही है, मगर प्रशासन की आंख मूंदे बैठा है, कोई सुनवाई नहीं। इस भाजपा सरकार में अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं। कहाँ एक तरफा योगी जी कहते हैं सुशासन है, सुशासन के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख रहे हैं भोले नंगे पैर जा रहे हैं, कांवड़ लेकर उनके पैरों में चुभ रहे हैं, मगर प्रशासन की आंख नहीं खुल रही। चाचा नाम क्या आपका? सरदार बलबीर सिंह। ये नगीना बूंद की जो रोड है ये टुकड़ा था, कच्चा पड़ा हुआ है, कांवड़ तो जाने में परेशानी पड़ रही है, इसलिए क्या कहेंगे आप? जो ये कार्य इच्छा ने शुरू करा था नगीना उनकी रोड पर सड़क बनाने का, उसको जो है यहाँ ला कर के थम्स अप फैक्ट्री के सामने ला कर के रोक दिया गया है। और तमाम एक तो इनको पूरे पूरी जो है नाले तोड़ रखे हैं, उससे तमाम अतिक्रमण हो रहा है। उधर क्या रोड ही पड़े जो कांवट आ रहे हैं चलने वाले, उनको तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है। पैरों में चुभ रहे हैं, कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं। कम से कम प्रशासन इस तरफ ध्यान दें जिससे कि मतलब कांवड़ वालों को आने जाने वालों को राहगीरों को दिक्कत ना हो, और इसे जो है जल्दी जल्दी सुधारने का काम करा जाए। और ये जो है नाला तोड़ रखा है, उस नाले में चारों तरफ तमाम बाहर गारा गुरा पड़ा हुआ है, उसको भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं यात्रियों चलने के लिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसे तुरंत इसको जो है ठीक करवाने का कार्य किया जाए।